कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और मैं भी मस्त हूँ। एक बार सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आप लोगों का मेरी एक छोटी सी वीडियो में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। तक मौसम की बात करें तो देहरादून का मौसम आज बहुत ही सुंदर है, अच्छी धूप खिली हुई है और लग रहा है कि शाम को चांद भी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि बादलों के पीछे पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और आज तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि आज है करवा चौथ और महिलाओं के लिए तो स्पेशल डे होता है आज, और मेरा भी व्रत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी महिलाओं को और जितनी भी मेरी छोटी बड़ी माताएं बहनें जितनी भी मातृ शक्ति है सबको मैं करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपका सुहाग हमेशा यूं ही खिलता रहे, आप हमेशा यूं ही हंसती रहें। और यहां पे बाहर में बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही है तो वीडियो उतनी क्लियर नहीं आ रही है। तो अभी मैंने कुछ नहीं पहन रखा है, एक चैन डाल रखी है गले में और बिंदी तो मैंने आज बड़ी लगा रखी है। देखो करवा चौथ के दिन मैं हमेशा बड़ी बिंदी लगाती हूँ क्योंकि साड़ी के साथ बड़ी ही बिंदियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो मैं सब लोगों को एडवाइस देती हूँ कि साड़ी के साथ बड़ी ही बिंदी पहने, अच्छी लगती है। तो मैंने भी आज बड़ी बिंदी पहन रखी है और ज़्यादा मेकअप मैंने कुछ नहीं कर रखा है। और शाम को देखते हैं, शाम को साड़ी पहनूंगी, अभी तो मैं ऐसे ही सूट में हूँ। तो चलते हैं, शाम को पहनेंगे साड़ी। दिन भर साड़ी में अजीब मतलब अनकम्फर्टेबल जैसे होता है, तो इसीलिए मैंने साड़ी नहीं पहन रखी अभी। क्या बोलते हैं कि काम नहीं कर रहे हैं व्रत के दिन, तो मैं तो सारा काम करती हूँ। जब मैं घर में रहती थी हस्बैंड के साथ तो वहाँ भी सारा काम करती थी, हस्बैंड चले जाते थे स्कूल, तो घर में जितने भी काम होते हैं सुबह 10 बजे तक तो अपना काम निपटाओ, मतलब ये पूजा पाठ नहाना धोना जो भी होता है, और उसके बाद अपना काम खाना बनाना है, बर्तन धोने, कुछ भी, मतलब बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं तो बच्चों को भी टाइम नहीं मिल पाता है, इतना काम हो पाता है बच्चों से। तो मैं तो घर का सारा काम करती हूँ और आज भी मैंने सारा काम निपटा करके अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठ रखी हूँ। तो मिलती हूँ आपसे। मेहंदी देखो, मेहंदी ये मैंने कल रात को ही लगवा दी थी मेहंदी, तो आपको डिजाइन कैसे लगा देखो। सिमी बेटी ने लगा रखी है ये मेहंदी, अभी चूड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं लगा रखी हैं, शाम को लगाऊँगी। तो ये रही मेरी मेहंदी, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन लगाती है वो, सबके हमारे मोहल्ले में उसी ने लगाई। तो शाम को मेहंदी लगाने से मतलब थोड़ा फायदा रहता है, खाना बनाने में आसानी होती है, जल्दी सूख जाती है, और रात को लगाएंगे तो फिर सारे कपड़ों में मेहंदी लग जाती है, तो इसलिए हमने थोड़ा जल्दी लगाई मेहंदी। यहाँ पे दोस्तों हम तैयार हो रहे हैं, देखो प्रीति और मालती, इनका मेकअप नहीं हो रहा अभी पूरा। हाय। और अभी हम जा रहे हैं गुड्डी के यहाँ पे, गुड्डी एक दोस्त का नाम है, और वहाँ पे सब महिलाएं वहीं पे आएंगी, तो वहाँ पे बनी है वीडियो, तो वीडियो में बनते रहिए, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या चलो, तुम्हारे मेकअप तबार नहीं हुए अभी? चलो कर। हाँ दीदी आ जाओ। और यहाँ पे हो रही है हमारी पूजा। हाय गाइस। सुमन, आपका नाम क्या है? हेमा। हेमा, मालती, प्रीति, अभी तो ब्याह आने वाले हैं दीदी, तो यहाँ पे पूजा शुरू हो रही है अभी। से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए विधि विधान से सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य जीवन के पश्चात से मुक्त कर दिया।
इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्त से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार और हमारे यहाँ पे पूजा हो गई है अब करवा चौथ की। और देखो इनको इनको भूख भी नहीं लग रही है, तो चलते हैं आप खाना बनाने। हाय कर लो जरा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।